मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम काबिज भारत के रियासती जबर के मुकाबले में सब्र इस्तकामत का इस्तआरा बन चुके हैं। 5 अगस्त 2019 से जारी भारतीय फौजी मुहासरे, गैर एलानिया कर्फ्यू, मुकामी और बैन अल-अक़वामी राबतों के मुनक़ता होने, फाशिस्ट भारत की 14 लाख बावर्दी दहशतगर्द फौज के हाथों निहत्ते और मासूम कश्मीरियों को कुचलने और उनकी नस्लकुशी का सिलसिला जारी रहने के बावजूद कश्मीरियों की लाजवाल जद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। कश्मीरियों का वाहिद मकसद गैर कानूनी भारतीय कब्जे से आजादी है। आजादी के अजीम मकसद के लिए नई नस्ल के हीरो शहीद बुरहान वानी ने मिसाल पेश की तो भारतीय फौजियों ने नन्हे बच्चों, बच्चियों और नौजवानों की नस्लकुशी तेज कर दी। दुनिया के बाजमीर लोगों और बैन अल-अक़वामी मीडिया ने नताइज से बेपरवाह होकर भारतीय जबर को बेनकाब किया। फैमिली सेज गुडबाय टू इट्स एल्डेस्ट सन, हिज मदर टू सन सरिया। Asrar Ahmed Khan was 17. He was a bright student and loved playing cricket. His family says he was hit on the head by a tear gas canister and lead pellets fired from a shotgun by Indian troops. रबत मोदी को बोलिए दर्द है, उनको सॉरी, उन्होंने सॉरी इसके लिए बोला, उन्होंने उसका कनेक्ट किया, कल और बनेगा। We'd visited Asrar at the hospital when he was battling for his life. The cause of this boy's death has become a symbol of the conflicting accounts of events in Kashmir. Doctors say he died of injuries caused by pellets and the blast of a tear gas shell. मकबूजा जम्मू और कश्मीर के वो लोग जो फाशिस्ट भारत की नाम नेहाद जमहूरियत के धोखे में रहे, भारतीय धोखेबाजी और दोखलेपन पर भारत के खिलाफ सख्त गुस्से और नफरत का इजहार कर रहे हैं। For decades, India has been seen as an occupying force in many parts of Kashmir. But there are also areas where people have chosen to be a part of the Indian democracy. Like this village, one of the last near the de facto border with Pakistan. Today, even here, there's anger. अलवर इतना है कि तवक्कु था, पहले से वोट डालते थे। इस वक्त 70 हमारी एज है, बहुत इलेक्शन लड़े हैं, बहुत लीडर देखे हैं, तो मगर ऐसा धोखे वाली बात नहीं हुई हमारे साथ। इस साल धोखे वाली बात हमारे साथ हुई। अल जजीरा टीवी की 28 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट ने भारत के जाली मुकाबलों को बेनकाब कर दिया कि काबिज भारतीय हुकूमत और फौज अपनी जालसाजी, जाली मुकाबलों और डिस इन्फॉर्मेशन में पूरी दुनिया में बदनाम तरीन है। जुलाई 2020 में भारतीय फौज के कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने राजौरी के गांव अमेशपुरा से 3 मजदूरों को अगवा करके शहीद कर दिया। उनकी लाशों पर हथियार रखकर उन्हें मुजाहिद करार दिया। कश्मीर पुलिस ने तफ्तीश के बाद उसे मुजरिम करार देकर साथियों समेत गिरफ्तार किया। तो जब मुठभेड़ के दौरान उन्होंने फिर सोल्जर्स फायर्ड इंडिस्क्रिमिनेटली ऑन इनोसेंट प्रोटेस्टर्स टू साइलेंस देयर वॉइसेस फॉर फ्रीडम। इंडिया थिंक्स दैट देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कैन बी सप्रेस्ड बाय यूजिंग फोर्स, बट द ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव गिवन सैक्रिफाइसेस इन देयर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एंड द सैक्रिफाइसेस गिवन फॉर अ राइट दैट वी विल वन डे अचीव। नाजायज काबिज भारतीय फौज के कश्मीरी सिविलियंस के खिलाफ जंगी जराइम और रियासती जबर के खिलाफ कश्मीरियों का सब्र इस्तकामत रंग ला रहा है। काबिज भारतीय फौज मुकामी और बैन अल-अक़वामी तौर पर सियासी, इखलाकी, सफारती और फौजी लिहाज से इबरतनाक शिकस्त से दोचार हो चुकी है, जबकि भारत के जेरे कब्जा दीगर मजलूम रियासतों के साथ साथ कश्मीरी भी आजादी का सूरज तुलू होता देख रहे हैं। इंशाल्लाह।